दुबई के वीजा बंद होने के बारे में जो काफी शोर है, लेकिन कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि इसका सिंपल प्रोसेस है, आप जाके देखें कि कौन सा वीजा बंद हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। तो इसमें मुझे जो काफी कमेंट आया ना, वो है कि ड्राइवर का वीजा जरा चेक करके बताएं। तो सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, प्रोसेस आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ कीवर्ड में हमने ड्राइवर लिखना है, उसके बाद आप देखें यहाँ ड्राइवर के वीजा तो काफी शो हो रहे हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर, फार्म वैगन ड्राइवर, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। लेकिन आपने जब ये कोड देखना है ना, ये जो ENSCO कोड होगा, ये 8 नंबर से स्टार्ट होता है। सिंपल, आप और कुछ भी ना आप समझे, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी तो काफी सिस्टर ने कमेंट किया जी समझ नहीं आई, तो आप और कुछ ना समझे, आप सिर्फ ये चेक करें कि ये जो इसका फर्स्ट डिजिट है ना कोड, क्या ये 1 से लेके 5 नंबर तक स्टार्ट होता है, कि मीन 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, या 2 4 5 6, या 3 4 5। अगर तो ये 1 से लेके कोई भी 5 नंबर तक इसके स्टार्ट में वर्ड आता है तो ही आपको वो वर्क परमिट इश्यू हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइवर का कोई भी वीजा जो है वो इशू नहीं हो सकता। उसके बाद एक और भाई ने कमेंट किया था, मैं वो भी चेक करके बताती हूँ। इसके बाद चेक कर लेते हैं जी मैसन का। जैसे ही हमने मैसन लिखा है और उसके बाद सर्च बार में इसको सर्च किया है, तो ये आप देखें कि काफी मैसन के वीजा शो हो जाएंगे। वीजा तो शो होंगे, लेकिन उनके आगे जब कोड है, देखिए इसके ये 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से। हमारा जो पाकिस्तानी नेशनल के लिए है वो 1 से 5 नंबर तक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैसन का वीजा है, किसी भी टाइप के मैसन का पाकिस्तानी के लिए नहीं निकल सकता। उसके बाद जी हेल्पर का वीज़ा बताएं, हेल्पर का भी है, देखें किचन असिस्टेंट का एक ही हेल्पर शो हुआ है, तो हेल्पर का भी 9 कोर्स से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हेल्पर का वीज़ा भी पाकिस्तानी नेशनल के लिए नहीं निकल सकता। तो जितने भी प्रोफेशन स्किल्ड हैं जो 1 से 5 नंबर की कैटेगरी में आते हैं, बस वही वीज़ा आप के निकल सकते हैं। तो बाकी मेरी सिस्टर पूछ रही हैं फैमिली वीज़ों का लिंक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर से नहीं होता, ये इमिग्रेशन के वीज़े होते हैं, ये बिल्कुल बंद नहीं हुए। फैमिली के हर किस्म के वीज़ा निकल रहे हैं, विजिट वीज़ा भी निकल रहे हैं, तो उस बारे में आप टेंशन ना लें। ये सिर्फ जो वर्क परमिट होता है, जो जॉब्स का, मेरी बहनें भी कहती हैं, भाई भी कहते हैं कि जी फलां हमें जॉब चाहिए, फलां जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो ये जो जॉब्स के वीजे हैं ना, नौकरियों के, ये उनका रोला डला हुआ है, तो उनको आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि आप जब भी कोई वीज़ा, कोई भी कंपनी आपको कहती है कि आपको ये वीज़ा देने लगे हैं, तो क्या आप वो वीज़ा दे सकते हैं, क्या आप उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ अभी डिटेल शेयर कर दी है।